हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज है सैटरडे, इट मींस स्टार्टिंग ऑफ द वीकेंड। हैप्पी वीकेंड गाइस। और मैंने सुबह एक बार गुड मॉर्निंग बोला, बट द गुड मॉर्निंग गॉट साइड लाइन क्योंकि मेरे और संदीप के पास इतना सारा बेकार का टाइम था। हम बकवास कर रहे थे लिटरली। कैसी हो? सुबह सुबह चाय मिल जाए उससे बेटर क्या हो सकता है। मिल जाए मतलब ऑटोमेटिक आ जाएगा, बनाना पड़ता है। हाँ, मैंने ही बनाया है, मतलब पीने को मिल जाए। हाँ मतलब मैंने बनाया का मतलब क्या है कि कोई और बना के देगा तुम लोग? क्या नहीं, वो एक ही दिन हुआ था साल में और कभी नहीं होगा। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द व्लॉग। आज वेलकम विद चाय। मैं संदीप बैठ के चाय एंजॉय कर रहे हैं। हम लोग थोड़ी देर बाद ब्रेकफास्ट करेंगे। आज सुबह सुबह मैंने चाय पी ले रहे हैं। आपके वीकेंड के क्या प्लान है गाइस? हमारा फिलहाल मॉर्निंग लंच तक का प्लान है चिकन और राइस खाना। ऐसा लगता है तुम ब्लॉगिंग नहीं कर रहे हो, लाइव कर रहे हो। यूट्यूब लाइव क्या प्लान है? मतलब जैसे लोग रिप्लाई करके कमेंट में। हाँ, इट्स आई एम दैट्स माय फैमिली, दैट्स द वे ऑफ इंटरेक्शन। किसी ने मुझे बताया था जब यूएस जाने से पहले, तो किसी ने बताया था ओके वहां पे हे हाउ यू मैन, मतलब दे डोंट एक्सपेक्ट द आंसर। हां यस, बोल के निकल जाता है हे हाउ आर यू मैन इज काइंड ऑफ गुड मॉर्निंग बोला, बात बोल के निकल जाओ। ऐसा नहीं कि तुम जैसे अभी बोले ना कि आपका प्लानिंग क्या है, सो यू डोंट एक्सपेक्ट द आंसर बेसिकली। आई नो आपका प्लानिंग अच्छी होगी। तो ये था हमारा बकवास। और बकवास के चक्कर में आपको बता देती हूँ हमने क्या ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट था आज इडली और सांभर, तो सब ने एक ब्रेकफास्ट किया। यू नो दिस आर पर्क्स ऑफ ये कंफर्ट फूड्स। आपके बच्चे और आप एक तरह का खाना खा सकते हैं। अगर आप कुछ यू नो फैंसी या तीखा स्पाइसी कुछ दूसरा कुछ बनाना चाहते हो तो मुझे आश्रित के लिए स्पेशली कुछ और सोचना पड़ता है। तो ये सब ये ना इडली वगैरह रहने से, इडली या पाउड राइस रहने से आश्रित भी हमारे साथ सेम खाना खा लेता है, तो मुझे अलग से कुछ प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वाह, हैप्पी बर्थडे। और हैप्पी बर्थडे। मेरा हैप्पी बर्थडे अभी तो निमी का बर्थडे आएगा। नो यू ईट बाबा, इट्स योर्स। आशु को तो ऐसे झूठ मूठ दिया है। ये थी ब्रेकफास्ट की बात। और अभी बज रहे हैं 11 बजने वाले और संदीप ने उधर लंच प्रेप स्टार्ट कर दिया है। आज लंच में बन रहा है चिकन करी और राइस। तो मैं आपको दिखाती हूँ संदीप कैसे बना रहा है। और निमी वहाँ पढ़ रही है ड्राइंग रूम में। तो चलिए ऑन दिस नोट लेट्स रोल द डे। निम्मी की ड्राइंग कितनी इम्प्रूव है गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा। स्पेशली प्लस क्रॉस स्टार, शी कैन आल्सो डू स्विम। दिस इज सोप विद द बबल्स ऑन इट। हाउ इज द जोश निम्मी? हे सर एंड वेयर इज माय कुक? हाय कुक। और ये है चिकन। वाओ, अभी वाओ कम लग रहा है, ये कच्चा चिकन है। तुमको चिकन बनाना अच्छा लगता है ना? नहीं, कभी एक दिन गलती, दो बार गलती से बना दिया होगा और इसको तो ये मेरा ड्यूटी समझने लग गया। चिकन बनाने में तुम्हारा पूरा अधिकार है, मैं वो अधिकार तुमसे छीनना नहीं चाहती। मैं बस चिली चिकन बना लेती हूँ। इसमें आश्रित की खिचड़ी है, मुझे चावल बैठाना है। ये देखो आश्रित इससे जूस बना रहा था पॉमपॉम से। पॉमपॉम जूस, पॉमपॉम जूस लग रहा है। पॉमपॉम जूस वेरी कलरफुल एंड टेस्टी। मैं तुमको ना एक ग्लास में ऐसे ढाल के देगा, ऐसे ऐसे ऐसे। That was scary if you don't realize. That was very scary. मेरा मुंह फट गया कर रहे थे। इससे क्या बेनिफिट है? स्टार्च ड्रिंक कर देने से आप ज्यादा मोटे नहीं होगे। व्हाट्स द मिस्ट्री? सुना ये बास्केट में क्या मिस्ट्री है आशा? आशु उठ के आने से ये लॉन्ड्री बास्केट अपने साथ लेके खींचता खींचता चला आता है। आशु वेयर इज द कैप ऑफ दिस? कैप कहाँ है? कैप भी लेके आओ, एक पीस उठा लो। और बाकी तुमको क्या लगता है ये जो चिकन है ये बाउल में आ जाएगा पूरा? नहीं, शायद थोड़ा ज्यादा है या एकदम पूरा ऊपर तक भर जाएगा, पूरा ऐसा टपकने वाला नहीं है। इससे बड़ा वाला वाटी नहीं है, उसमें राजमा चावल है। कल का राजमा, मैंने कल राजमा बनाया था और संदीप को बिल्कुल पसंद नहीं आया। चलो आशु भात तो खाएगा। आशु ने खिचड़ी छोड़ दिया काफी सारा। मम्मा चिकन से खिचड़ी खाएगा। भातू स्पून दे मम्मा। आशु स्पून से खाओगे भातू? तो गाइस हम अभी राइस निकाल रहे हैं और लंच करने और थोड़ी देर बाद चिकन निकालेंगे। हम चिकन निकालेंगे उसके बाद संदीप कैंसिल, संदीप कैंसिल। तो गाइस हम अभी लंच करेंगे और लंच में है जिसमें आपको बताया था राइस और बेबी का बाल देखो सना। निम्मी का आजकल बाल ऑन स्पॉट रहता है पूरा। निम्मी को टकला करने के बाद और कभी बाल नहीं काटेंगे, ओनली सिर्फ थोड़ा बहुत शेप करने के लिए इधर उधर से काटेंगे, बट नहीं शेप करने के लिए भी नहीं। वो जैसे बढ़ रहा है वैसे ही बढ़ता रहेगा, ऐसे मुर्गी की तरह, ऐसे मुर्गी की तरह। नानी बोले थे ना आप? नहीं, पूरा 2 साल का जोक बना दिया उसने। और 2 साल तो मैं बोल रही है मुझे नानी की तरह लंबे बाल चाहिए, लंबे बाल चाहिए। आज वो जोकिंग हो गया। No, after this hair, I'm a nanny. After this hair, अभी जो बाल है she wants like नानी है। तो मम्मा का no, after this hair, then mama hair, then नानी। अच्छा वो स्टेप बता रही है, वो उस बाल के बाद मम्मा की तरह बाल, फिर नानी की तरह बाल। और नानी का बाल पूरा कमर तक है, तो सोच लो कमर तक बाल चाहिए इस बच्चे को। और गुड चीज आशु भी थोड़ी देर पहले उठ के आया था, अपना लॉन्ड्री बास्केट लाना भूल गया था। पास्ट 1 वीक से आशु जब भी उठता है दोपहर को स्पेशली वो लॉन्ड्री बास्केट लाना नहीं बोलता है। नहीं, वो सोचता है नींद में हो गया अब खेलेंगे खेलेंगे। हाँ, एक दिन तो चला गया था उस लॉन्ड्री बास्केट के अंदर। उसने आगे दिन टॉय डाल के रखा था और लॉन्ड्री बास्केट टीवी रूम लेके गया और खेलना स्टार्ट कर दिया। उसको पता भी नहीं है मम्मा कहाँ है पापा कहाँ है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। टीवी रूम गया और बैठ के खेल रहा है बिंदास। फ्रूट्स आज है फ्रूट में एप्पल और एक ऑरेंज जो आशु खा गया। ये लो अनार, अनार अभी काटेंगे। लाल होगा लग नहीं रहा था। मैं उस पर लिखा था 1 पीस एंड बिग। लोग जैसे आम बागान से आम तोड़ते हैं, संदीप वैसे अपने तार से कपड़े तोड़ रहा है। तुम्हारे इस तार से में कपड़े उगते हैं सुना। आजकल इनोवेशन के कदर ही नहीं है, इतना इनोवेटिव आइडिया इसको सड़ा हुआ फ्रूट रिजेक्ट। और बोलो दूसरा वाला हाउ इज द स्टेटस? हाउ इज द यूज हाउ द सेंटेंस देन हाई से। हाउ इज द जोश आशु? हाई जा। हाउ इज द जोश नेमे? ओयो ओयो। दूर से सुनने में ऐसा लगता है ओयो बोल रहा है, पर कभी पास उसका मुंह में लेके क्लोजअप दिखा उसका जीभ ना ऐसे घूमता है ओयो। तुम अपने आम तोड़ो शना, गुठली की अपेक्षा मत करो, नहीं दाम की अपेक्षा नहीं करो। ये तुम्हारा जुम्बा ट्रेनर तुम्हारे ऊपर ही चढ़ के बैठा रहता है। गाइस अभी रात के 11 बज रहे हैं, बच्चे सो चुके हैं। मैंने शाम से ज़्यादा कुछ फुटेज नहीं लिया था, मैं वो थोड़ा बता देती हूँ हम क्या क्या कर रहे थे शाम से। बच्चे लोग वेर फुल फजी, दे वांटेड टू वॉच कार्टून। मैंने आज कार्टून नहीं चलाया, फिर हम लोग इंडियन आइडल देख रहे थे, यू नो इट्स नॉट देयर टाइम। फिर उसके बाद आराम से खेल रहे थे दोनों। और हमने आज डिनर में खाया था एग रोल। आश्रित को मिल दिया था आज थोड़ा प्लेन से, क्योंकि काफ़ी दिन से खिचड़ी वगैरह चल रहा है, तो मैंने सोचा आज आशु को थोड़ा सा प्लेन खाना देती हूँ। तो पोटैटो, मुश पोटैटो के साथ प्लेन राइस दिया था उसे। और अभी वो जो आपको दिखाया था ना संदीप का इनोवेटिव वे ऑफ कलेक्टिंग क्लोथ्स, वो कपड़े वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं मेरे। तो अभी वो कपड़े फोल्ड करने हैं, थोड़ा सा घर समेटना है और फिर सोऊंगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलूंगी आपसे फिर से कल एक नए ब्लॉग के साथ। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड नाइट।